नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा ऑनलाइन स्किल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जियो POS प्लस से आप जियो में सिम कैसे पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वोडा और एयरटेल का सिम है तो आप जियो सिम कैसे पोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जियो POS प्लस ऐप खोल लेना है। ऐप खोलने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करना। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे कॉर्नर ऊपर फ्रंट में लेफ्ट साइड आपको 3 लाइन का बटन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में जियो डिजिटल KYC का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा आप अगर जियो फोन को के लिए आप सिम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप जियो फोन पर क्लिक कीजिएगा, और आप चाहते हैं बड़े मोबाइल में हम सिम लगा रहे हैं तो आप मोबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डन पर क्लिक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एक डॉक्यूमेंट चूज करना होगा। आपको डिजिटल नन KYC पर क्लिक करके आप आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट पैन कार्ड दे के उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट नंबर मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट नंबर में मैं अपना जैसे आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो इसका 12 डिजिट आपको यहाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा। आधार कार्ड में फ्रंट साइड फर्स्ट में पहले दे दीजिए, फिर उसके बाद यूज़ दिस फोटो पर क्लिक कीजिए। ये आपको धीरे धीरे लोडिंग लेगा। फिर उसके बाद आपको बैक साइड का फ़ोटो देना है। बैक साइड का फ़ोटो देने पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यूज दिस फोटो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट PO में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कैप्चर कस्टमर फ़ोटो मांगा जाएगा। इसमें आपको कस्टमर का फ़ोटो देना है। कस्टमर का फ़ोटो सही ढंग से क्लिक करना है, जिसमें आपको ग्रीन सर्कल में आपको फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में आपको मिलेगा एजेंट का फ़ोटो क्लिक करने, जिसमें आपको अपना फ़ोटो लेना है। जो जिसका भी जियो प्लस ID है उसमें आपको अपना फ़ोटो दे के आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन का क्लिक कीजिएगा आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर शो करेगा POI। उसके बाद आपको कस्टमर नेम डाल देना है। कस्टमर नेम है सही सही डालिएगा, गलत डालिएगा तो आपको नहीं लेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। सबसे पहले ईयर देना है, उसके बाद आपको मंथ, और उसके बाद आपको डेट। चूज करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ जेंडर में खुद आ चुका है। उसके बाद आपको फादर नेम या हस्बैंड नेम पर क्लिक करना है, जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे कि मैं हस्बैंड नेम दूंगा इसमें। उसके बाद आपको एक नंबर देना है जिससे आप पोर्ट करें। जो नंबर पोर्ट करें वहां आपको मोबाइल नंबर यूज फॉर कस्टमर सिग्नेचर पर देना ही होगा। उसके बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। आप अपना मत दीजिएगा, किसी दूसरे का दीजिएगा, नहीं तो आपके नाम से जो होगा वो नहीं लेगा। इसलिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर में एक दूसरा मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी एक डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप अपना हाउस नंबर, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, और उसके बाद आपको लैंडमार्क के बाद सब भर देना। आपको अच्छे से सारे डिटेल भरने के बाद आपको एक नीचे आपको अदर मोबाइल कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको नंबर 1 कनेक्शन में 1 करना और भारतीय एयरटेल GSM करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। NP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रीपेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर का डिटेल डालना और UPC कोड जो आपके मोबाइल में आया होगा पोर्ट करने वक्त आपको UPC कोड डाल देना है। उसके बाद आपको जिस दिन UPSC का डेट जनरेट किए थे उस दिन को डेट को डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा MNP, आप कितना का MNP करना। इसमें आपको 239 का MNP करना है। उसके बाद आपको 1 से लेकर 5 डिजिट तक क्लिक करना, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे ICCD नंबर मांगेगा, उसमें आपको सिम को स्कैन कर लीजिएगा, आपका सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको
डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल अगर सही है तो टिक आउट बटन पर क्लिक करना है, और जिसमें आपको एक एजेंट का ओटीपी आएगा, जिस नंबर से आप जियो पीओ चलाते हैं उसमें आपको एक मैसेज आएगा, ये मैसेज आपको एजेंट ओटीपी में डायल करना है। एजेंट ओटीपी में डायल करने के बाद आपको फिर कस्टमर ओटीपी पूछा जाएगा, आप जिस नंबर में पोर्ट कर रहे हैं उस नंबर में एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को आप कस्टमर ओटीपी में फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे सिम का 5 डिजिट नंबर पूछा जाएगा, ICC ID। अगर ICC ID नंबर नहीं जानते, मैं आपको स्क्रीन में बता देता हूँ ICC ID नंबर क्या होता है। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने बोलेगा, इसमें आपको बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद आपको थोड़ा देर स्क्रॉल लेगा, उसके बाद आपको पूछा जाएगा आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। 239 रुपया, जिसमें आपको कैश, जियो मनी कार्ड और जियो मनी कोड, इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कैश बटन पर क्लिक करना है और आपको पेमेंट कर देना है। कैश में डालने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक कीजिएगा आपका सिम पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये मुझे आपको ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका सिम पोर्ट हो गया, जिसमें आपको 2 या 3 दिन का समय लगेगा जिससे आपका सिम पोर्ट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।